आई उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, घरेलू मसला, घरेलू परेशानी, जादू जिन्नात, किसी भी किस्म का मसला है तो ज़रूर अपनी इस बहन को याद करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, इससे पहले आपको जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की तरफ लेकर चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत आयशा से, जो हजरत आयशा से भी ये मरवी है, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और सहाबा इकराम से भी है, ठीक है, अगर औरत अपने शोहर के माल से कुछ खर्च करे और इसकी नीयत शोहर की पूंजी बर्बाद करने की ना हो, यानी कि सारा पैसा बर्बाद करने की ना हो, तो बनाओ बिस्मिल्लाह, ठीक है। बहुत सी ऐसी खवातीन मतलब के होती हैं कि वो बस कहती हैं कि शोहर अपने वालदैन को ना दे दे, बहन भाइयों को ना दे दे, कोई सेविंग ना कर ले या कोई ऐसा, तो हम बर्बाद नहीं, ऐसा नहीं, उसकी मतलब वो अपने शोहर की जमा पूंजी जो है बर्बाद ना करे, तो इसे खर्च करने का स्वाब मिलेगा, शोहर को भी इसका स्वाब मिलेगा, क्योंकि इसने कमाया है और खजानची का भी यही हुक्म है कि आप सवाब की नीयत से दूसरों को एक जर्रा बराबर भी देते हैं तो यकीन माने उसका भी अल्लाह पाक सवाब देते हैं और उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। तो आप इस चीज को, इस चीज का ख्याल रखें। ये हदीस बहुत ज्यादा जो है सहाबा इकराम से भी मंसूब है और ये वैसे बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है। एक दफा जब हदीस सुनते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि वो बुखारी शरीफ सनद वाली। आजकल बहुत से लोग, तौबा नौज़बिल्लाह, अल्लाह पाक माफ करे, बहुत सी ऐसी बातें खुद से बना रहे हैं, तो सनद की अहदीसों पर जो है उस चीज का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह इसका स्वाब है। ना कि आप, हो सकता है अगर आप किसी की अहदीस सुने वो अहदीस ना हो तो फिर इंसान गुनाह में आ जाते हैं ना। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आप पर मेहरबान होगा, आपको प्यारे जो आपसे रूठ कर जा चुके हैं, जो नाराज हैं, जो आपसे मोहब्बत नहीं करते, चाहत नहीं करते, जो आपको बहुत ज्यादा हकीर समझते हैं, जो आपसे बहुत नाराज हैं, सालों से नाराज हैं, दूर हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको दीवाना बनाने का, तड़पाने का, उनसे जो है आप दिली उन सकते हैं लेकिन वो आपकी कदर नहीं करते, उनको अपना बनाने का ये वजीफा है 111 मरतबा। आज जो मैं आपको इसमें मुबारक बताने लगी हूँ, आप वो करें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, यकीन माने अगर आप ये वजीफा तरीके से करते हैं और जो मैं अमल इसके बाद बताऊंगी, अगर वो आप तरीके से करते हैं तो कामयाबी ही कामयाब, आपको और कोई वजीफे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरह जो है इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद आपने पढ़नी है। अब आप इसका तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो इख्तियार करें। आपने कील लेनी है, एक कील आपने लेनी है, कील के ऊपर पढ़ाई करें। अब कील एक ही ले, पढ़ाई जो आपने सूरह इखलास की करनी वो 101 मरतबा, नाम लेके करें, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, जिसके लिए अमल करें उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। उसकी वालदा का नाम नहीं पता तो आप उसके जगह अम्मा हवा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब नंबर तीन, रोशनी ना हो जिस जगह वहां पर अमल करें, शोर ना हो, रोशनी ना हो, अगर रोशनी है भी तो बहुत कम हो, जैसे कैंडल मोमबत्ती की रोशनी होती है। कील के ऊपर आप पढ़ाई करें, दम करें, किसी ऊंची जगह सुबह उठ के वो कील दीवार में, लकड़ी में ठोक दे वो कील। आप जितनी आपने किसी के अंदर तलब, एक दिन का ये अमल है, वाजी आपको फर्क पता लग जाता है। जैसे कील आप दीवार में लगा देते हैं या किसी लकड़ी में लगा देते हैं ऊंची जगह पे, आप यकीन माने कि आप मतलब कि आपको जब लगे आपने अपने प्यारे को मतलब कि मुसखर करना है तो उस मतलब कि इतनी कील दीवार में लगाएं कि आधा हिस्सा बाहर हो, आधा हिस्सा अंदर हो, ठीक है।
जब भी आपको कमी महसूस हो मोहब्बत की चाहत की उस प्यारे की तरफ से, तो उस कील के ऊपर एक दफा जोर से फिर कोई चीज मारे। एक दिन का अमल, इतना बेकरार, इतनी मोहब्बत कि आपकी सोच, कील पाक होनी चाहिए, कील नया होना चाहिए, कील स्टील का होना चाहिए। लोहे का भी ठीक है, लेकिन स्टील का कील दीवार में लकड़ी में आसानी से लग जाता है। नंबर दो, जायज काम के लिए करें, मियां बीवी या फिर रिश्तों की बंदिश के लिए ये अमल करें। जिसके घर रिश्ते ना आ रहे हो, अमल करके ये कील दीवार में लगा लें। रिश्ता आए, अगर आपको डर है कि ये जवाब दे देंगे, कील पे जोर से 2-3 दफा जरूर लगाएं, आपके घर उसका जवाब वाजे आ जाएगा। ठीक है, आप ये अमल करें। अगर आप कोई कारोबारी सिलसिले में या किसी को मेहरबान करना है, किसी से अपनी बात मनवानी है, कोई आपसे नाराज है, कोई आपसे बात नहीं करता है, तो ये अमल करके जाने से पहले किसी को मनाने के लिए या किसी को मेहरबान करने के लिए या कारोबारी मतलब करने के लिए, फिर कील के ऊपर 2-3 मरतबा हल्का सा ऐसे कोई चीज मार के तो फिर जाए। यकीन माने कभी ना उम्मीद नहीं होंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये अमल अगर आप कर लेते हैं, पढ़ाई आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बाप वजू और जाय नमाज पे 2 नफल अगर हाजत के पढ़ के आप अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं होगी। इसी के साथ इस बहन को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।